हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम एकता। आज की वीडियो में मैं आपको 3 इजी एवरीडे हेयर स्टाइल्स दिखाऊंगी। ऑफिस एंड कॉलेज के लिए बहुत ही इजी हेयर स्टाइल्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, और उसके बगल में छोटी सी बेल बटन होगी उसको भी हिट कर दें, ताकि मेरी वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको टाइम से मिलते रहें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट स्टाइल के लिए आपको ये फ्रंट सेक्शन लेना है, थोड़ा सा जिस तरीके से मैंने लिया है, और उनको 3 सेक्शंस में डिवाइड करना है। देन आपको रेगुलर ब्रेड जैसे करते हैं वो करनी है, बट आपको फ्रंट से थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेना है जिस तरीके से मैं ले रही हूँ। देन जितनी ज़रूरत है उतना ब्रेड कर लेना है, क्योंकि हमें इसे पीछे टक करना है अपने बालों के। देन उसके बाद थोड़ी सी ब्रेड को पुल आउट करना है जिस तरीके से मैं कर रही हूँ यहाँ पे, ताकि जो हमारी जो ब्रेड है वो थोड़ी फुलर लगे, देखने में अच्छी लगे। देन आपकी ब्रेड हो गई है, और एक टिक टैक पिन लेके आप उस तरीके से सिक्योर कर लें उसे जिस तरीके से मैं कर रही हूँ। एंड सारे बाल एक तरफ लेके आपको रेगुलर ब्रेड करनी है, साइड ब्रेड करनी है जिस तरीके से मैं करूँगी। 3 सेक्शन ले लीजिए, और जिस तरीके से रेगुलर ब्रेड होती है बस वही करनी है, और ज़्यादा तामझाम नहीं करना है हम लोगों को। देन आपको लेनी है एक हेयर इलास्टिक, और उसके बाद इसको सिक्योर कर लेना है, अच्छे से टाई अप कर लेना है। दैट्स इट, ये है फाइनल लुक, और ये मुझे बहुत ही पसंद है। मैं इसे सूट के साथ कैरी कर सकती हूँ, और जीन्स के साथ भी कैरी कर सकते हैं, बट मुझे सूट के साथ ज़्यादा अच्छी लगती है ये हेयर स्टाइल। आप इसे कॉलेज वर्क पे कैसे भी कैरी कर सकते हैं, और आगे से थोड़े बाहर निकाल लीजिए, बस हो गया आपका। नेक्स्ट हेयर स्टाइल है वो है मैसी बन, और जिसके लिए आपको इस तरीके से सारे बाल ले लेने हैं जिस तरीके से मैं ले रही हूँ। कॉम करने की ज़रूरत है तो कॉम कीजिए। मैं बालों को, अपने सारे बालों को स्मूथ कर ले रही हूँ आगे से और जहाँ से भी ज़रूरत है। देन उसके बाद अपने हाथों से ही स्मूथ कर ले रही हूँ। मैसी है तो ऑब्वियसली इतना ज़्यादा कॉम तो यूज़ करना ही नहीं है, और ये मेरी गो टू हेयर स्टाइल है। मैं इसे मोस्टली इससे ही कैरी करती हूँ कहीं मुझे जल्दी जाना हो, क्योंकि ये 1 मिनट की हेयर स्टाइल है। उसके बाद जिस तरीके से मैं ट्विस्ट कर रही हूँ, उस तरीके से ट्विस्ट करना है अपने बालों को, और एक बन की तरह बना देना है जिस तरीके से मैंने बनाया है। और उसके बाद एक हेयर इलास्टिक लेके या रबर बैंड लेके आपको इस बन को सिक्योर कर लेना है। आप चाहे तो बॉबी पिन भी लगा सकते हैं और ज़्यादा सिक्योर करने के लिए, बट मैं ऐसे ही रहने देती हूँ। और आगे से थोड़े बाल निकाल लिए हैं मैंने अपने फेस को फ्रेम करने के लिए। सो दैट्स इट, यह मेरी दूसरी हेयर स्टाइल। ये तो बहुत ही ईजी है गाइज, आराम से कर लोगे, और मतलब बिल्कुल एफर्टलेस है, और बहुत अच्छी भी लगती है कैजुअल वियर पे, ये बहुत ही अच्छी लगेगी। नेक्स्ट एंड लास्ट हेयर स्टाइल के लिए मैं छोटा सा सेक्शन ले रही हूँ साइड पार्टिंग से, और उसको 2 सेक्शन में डिवाइड कर लेना है, और उसके बाद इसकी रोप ब्रेड बनानी है। और जिस तरीके से मैं बना रही हूँ, देखिए कि इनको ट्विस्ट करना है इंडिविजुअली, एंड देन इनको एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करना है। इसको करने के बाद आपको इस ब्रेड को पीछे तक ले जाना है, और इसे एक टिक टैक पिन की हेल्प से सिक्योर कर देना है। आप चाहे तो बॉबी पिन भी यूज़ कर सकते हैं, बट मैं टिक टैक पिन ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और चाहे तो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं ये हेयर स्टाइल, क्योंकि ये ऐसे भी अच्छी लगती है, बट इसमें मैं थोड़ा और टच देना चाहती हूँ। सो मैं दूसरी साइड से अगेन एक सेक्शन लूँगी हेयर का, और उसे 2 सेक्शंस में डिवाइड कर दूँगी, और फिर मैं रोप ब्रेड बनाऊँगी इनकी भी। पहले आपको इन दोनों को इंडिविजुअली ट्विस्ट करना है, उसके बाद एक दूसरे के ऊपर ट्विस्ट करना है, और इस प्रोसेस को रिपीट करते रहना है जब तक आप एंड तक नहीं पहुँच जाते। देन उसके बाद मैं एक हेयर इलास्टिक की हेल्प से इसको सिक्योर कर लूँगी। दिस इज काइंड ऑफ बोहो हेयर स्टाइल,
सो आप ऐसे भी छोड़ सकते हैं, बट मैं आगे के थोड़े से बाल लेके पीछे टिक टैक पिन से इसको टक कर दूंगी और जो पीछे के बाल हैं उनसे मैं कवर कर लूंगी उसको। सो ये है मेरी फाइनल और लास्ट लुक। सो देख सकते हैं आप कि इसमें कुछ भी नहीं है हेयर स्टाइल में, फिर भी कितनी अच्छी लग रही है, बहुत ही और थोड़ी बोहो टाइप लग रही है, मुझे तो बहुत पसंद है। सो गाइज दैट्स इट फॉर टूडेज वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और आपके लिए थोड़ी सी हेल्पफुल भी रही होगी। और अगर ये वीडियो अच्छी लगे आप तो प्लीज़ लाइक करना इस वीडियो को और ढेर सारा प्यार देना इस वीडियो को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर सकते हो आप। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो जल्दी से कर लीजिए, ताकि ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपसे बिल्कुल भी मिस ना हो। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द ही मिलूंगी, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, लव यू।